गाइस, वेलकम टू माय चैनल डी कपल। आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज आज मेरी बेटी 18 महीने की हो गई है। और तो एज एवरी मॉम आई एम वेरी हैप्पी, शी इज ऑल ग्रोन अप एंड इट्स लाइक देयर सो मेनी मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस। तो मैंने उसके लिए एक वन ईयर बेबी एल्बम बनाई थी एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दैट एंड ऑल दोज मेमोरीज, ऑल दोज एक्टिविटीज दैट शी डिड फॉर फर्स्ट टाइम एंड एक्सपीरियंसेस जस्ट सब वापस आ गया। तो आई वाज जस्ट रिमेम्बरिंग कि जब मैं एक न्यू मॉम थी तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, मेरे क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे, मुझे क्या क्या डूज एंड डोंट्स बताए गए, कौन सी ऐसी थिंग्स थी, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे लिए यू नो एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज बने। तो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर इट विद ऑल द न्यू मॉम्स नाउ जो अभी एक्सपेक्ट कर रही हैं और या फिर जिनका बेबी 0 to 3 months के बीच में है, देन डेफिनेटली यू आर अ न्यू मॉम एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। मेरे एक्सपीरियंस से शायद आपको काफ़ी फ़ायदा हो एंड अगर आप के आसपास कोई न्यू मॉम है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। बिफोर मूविंग अहेड, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड लाइक दैट आप उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन क्योंकि बिना उसके आपको मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सो डू प्रेस द बेल आइकॉन। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मस्ट हैव, तो मेरे लिए जो फर्स्ट मस्ट हैव मुझे लगा इज अ नर्सिंग पैड और जिसे हम ब्रेस्ट पैड भी कहते हैं। सो व्हाई डज नर्सिंग पैड स्टॉप माय लिस्ट, वो इसीलिए इसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है। जैसे जब मैं मॉम बनी थी आई वाज टोटली रिलाइंग ऑन माय मदर एंड माय मदर इन लॉ एंड मुझे बहुत फायदा हुआ उनके एक्सपीरियंस से, उन्होंने मुझे बहुत सी ऐसी चीजें बताई लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो उन्हें नहीं पता था तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। तो एंड ये ज्यादातर हाउस होल्ड में होता है कि आप अपने ऑब्वियसली बड़ों से पूछते हो तो उन लोगों को इस नर्सिंग पैड या ब्रेस्ट पैड के बारे में उतना नॉलेज नहीं है क्योंकि उनके टाइम पे शायद था नहीं, तो ऑब्वियसली दे कैन नॉट एक्चुअली गिव दैट नॉलेज टू। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज मेरी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। सो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे इसके बारे में काफी लेट पता लगा, मुझे तब पता लगा जब अपना सेकेंड मस्ट हैव मैंने बाय किया तो उसके साथ ये फ्री आए थे just to try it on and when I tried it I felt so happy. Now let's talk about why actually these nursing pads are important. After you start feeding your baby there are certain women, most women actually have a oversupply and when that oversupply happens your obviously your breast feels fuller and then they gradually leaks. Unless and until the baby feeds again, they will start leaking. Now, if you are with someone sitting in a group or because obviously naya baby hai, so obviously there will be relatives coming at your home. Baby dekhna chahe, baby se milna chahenge, aapki haal chaal puchna chahenge. So you will always be surrounded by people and to us time pe if it starts leaking, then obviously it'll lead to embarrassment and then आपको सारे clothes बदलने पड़ते हैं, कई बार तो सोते सोते it starts leaking and then again आपको अपना आपकी नींद टूटती है and you won't be getting you obviously won't be getting enough rest with the baby because with the baby feeding and all that stuff and आपका अपना खाना पीना होता है and then you have an added on this thing that you again every time it leaks you have to change your clothes and all that, कपड़ा लगा लो but then at the same time they are not very comfortable. So it's always important to have the nursing pads. These are absolutely same as a sanitary pad, it's just that you just need to wear it under your bra and that's it. No embarrassments, no leakages, nothing, no changing of clothes. So I think this is a very good advancement. Obviously you should definitely have this. The second must have is this breast pump. So this is the manual breast pump. Electrical breast pumps bhi hote hain and you can buy either of them. I'll prefer electrical because main manual use kar chuki hu aur isme maine just ye note kiya ki after some time you get really tired. You know, pumping out all the milk actually makes you tired. And then it's always good to have something, it's always good to invest in something that does not make you tired.
So, because you always be tired when you're a new mom, you'll have less sleep, you'll have a very disturbed sleep and disturbed sleeping pattern and all that. So it's always good to have things around you that will not actually increase your tiredness. So this actually increased my tiredness, although I used this a lot, but yet again I prefer electrical one. Now, why do we exactly need a breast pump? जैसे मैंने कि अपने पहले पहले बताया कि देर इज एन ओवर सप्लाई ऑफ मिल्क. सो एट दैट टाइम जो मिल्क होता है, जो मदर्स मिल्क होता है, इट्स प्योर गोल्ड एंड उसका एक बूंद भी वेस्ट करना इज टोटली अ नो नो. ऑलवेज गुड दैट इफ यू अवेक, इट्स ऑलवेज गुड टू एक्चुअली पंप आउट सम मिल्क, टू हैव सम मिल्क इन रिजर्व, सो दैट इफ यू आर स्लीपिंग एंड योर बेबी नीड्स टू be fed at that time, you don't need to get up. Anyone in your family, husband, mother-in-law, anyone could just feed your baby with the milk that you already had in reserve. So this will also make your life simpler and easier, so you will be able to get more rest. Other than that, there are some mothers who have this lactation problem and they're not able to have good supply of milk at that time. Just donate and, you know, contribute there. So the third must have would be the bathing tub. बेथिंग टब बहुत इंपॉर्टेंट है. आई नो पुराने जमाने में जो दाइयाँ होती थी वो पैरों के बीच में बच्चा रख के नहलाती थी. मुझे वो बहुत रिस्की लगता है, तो इसीलिए आई थिंक वन मस्ट इन्वेस्ट इन अ बेथिंग टब. इफ यू कैन सी आई हैव टू बेथिंग टब्स यहाँ पे. वन इज दिस 0 to 12 month. ये एक प्लास्टिक का बेथिंग टब है जिसके अंदर एक होल होता है कि जब आप पानी डालो तो पानी बाहर निकल जाता है. एंड दिस इज नेट वाला कि आप पानी डालो, दिस इज ऑल नेट, सूख जाएगा अपने आप, पानी वहां से निकल जाएगा. नाउ ये 0 to 12 months के लिए, और ये सिर्फ 0 to 3 months तक ही आप यूज कर सकते हो, ज्यादा ज्यादा 4 months, उससे उसके बाद दिस वोंट बी यूजफुल इनफ. बट फॉर 0 to 3 months आई थिंक दिस वुड बी मोर प्रेफरेबल फॉर मी रादर दैन दिस वन. उसका रीजन ये है कि क्योंकि ये नेट है तो दिस इज वेरी सॉफ्ट. अनदर थिंग इज दैट अगर मैं बेबी को, जैसे मैंने यहाँ लिटाया एंड देन मैं इसको, बेबी यहाँ रहता था एंड मैं उसको बहुत आराम से नहला दिया करती थी. मुझे उसकी गर्दन के लिए भी बहुत सपोर्ट यहाँ देने की जरूरत नहीं लगती थी. वेयर यहाँ पे मुझे थोड़ा डर लगता था कि वो यहाँ किसी प्लास्टिक पे या कहीं पे अपने आप को मार ना ले हिलने के चक्कर में. एंड अगर मैं उल्टा भी लेटाऊँ तो बेबी बहुत आराम से ऐसे लेट जाता था एंड मैं उसको बहुत आराम से नहला पाती थी. वन सो ऑफ फोर्थ मस्ट हैव वुड बी दिस कैरीकॉट चेयर. ये इसने मेरी जिंदगी लिटरली बदल दी. मैं क्या ही बताऊँ, अब उसकी हालत देख के आपको पता लग रहा होगा मैंने कितना यूज़ किया है. मैंने ये आई गेस जब तक वानिया एकदम ही आउटग्रो नहीं कर गई और उसके लिए ये चेयर अनकंफर्टेबल नहीं हो गया, मैंने तब तक वानिया को इस पर सुलाया है. इनिशियली तो मैं इसी पे सिलाती थी और उसके बाद जब वो बड़ी हो गई तो इस पे मैं उसको ड्रॉप कर करके सिला दिया करती थी और फिर मैं उसको बेड पे कर देती थी. तो ये इसका डब्बा है. सो दिस इज बेसिकली अ 9-in-1. तो आप इसको फीडिंग के लिए यूज कर सकते हो, उसको कैरिंग के लिए, बाउंसर की तरह, रॉकर की तरह, सेफ्टी नेट, इसमें आप नेट लगा के बेबी को सिला सकते हो कि मच्छर वच्छर ना काटे. एंड देन इट हैड अ बॉटल स्टैंड, बेबी चेयर बन सकती है, ये स्विंग है. हाँ, इसका स्विंग की तरह भी मेरे काफ़ी कजन्स ने यूज़ किया था बट हमने नहीं किया. और ये बाथटब की तरह, इसको आप, ये रिमूवेबल है तो यू कैन रिमूव इट एंड इट विल एग्जैक्टली बी द वे जो मैंने बेबी टब आपको दिखाया था, तो ये बिल्कुल उसकी तरह बिहेव करेगा. और मैंने इनमें से किसी भी चीज़ की तरह यूज़ नहीं किया एक्सेप्ट फॉर रॉकर. मैंने उसको रॉकर की तरह यूज़ किया एंड मैंने उसको बहुत यूज़ किया रॉकर की तरह. मैंने इसमें ये साइड में ये भी लगा दिया था एक टॉय कि जब मैं वाने को सुलाती थी तो मैं इसको बजा दिया करती थी, आराम से इसमें बहुत सूदिंग साउंड आता था. एंड मैं वानिया को, मैं खुद भी लेट जाती थी क्योंकि मैं काफ़ी थकी रहती थी क्योंकि कोविड टाइम था, घर का सारा काम करना था, तो मैं आराम से लेट जाती थी, मैं ऐसे ऐसे करती रहती थी. एंड वानिया ये गाना सुनते सुनते लेटे लेटे ऐसे ऐसे करते करते सो जाती थी. यू नो एक्चुअली में एक टाइम ऐसा आ गया कि वानिया को अगर नींद आ रही होती थी तो सीधा मुझे कहती थी कि वो सीधा रॉकर की तरफ पॉइंट करती थी या खुद जाके बैठ जाती थी कि अब मुझे सुलाओ, मुझे तो नींद आ रही है. और नहीं तो अगर मुझे उसे सुलाना होता था तो मैं उसको लिटा देती थी, तो उसको समझ में आ जाता है मम्मी को सुलाना है, मम्मी को नींद आ रही है, मम्मी सोएंगी और मुझे भी सुलाएंगी, तो वो भी
एक मूड में आ जाता है कि हाँ चलो आप सोएंगे कोई नहीं. तो इट वॉज एक्चुअली सो लाइक इसमें यू नो बच्चे को ऐसे लेटा के ऐसे 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 करना है ऐसे 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 करना नो इसमें बहुत मेहनत लगती है. एंड देन आपका बैक का बैक स्ट्रेट नहीं रह पाता है एंड देन ऑलरेडी फीलिंग कर करके आप थक चुके होते हो. तो इट्स बेटर यू हैव दिस रॉकर. दिस इज़ वेरी हेल्पफुल. एंड ये रॉकर में लाइक इट्स नॉट ओनली हेल्पफुल फॉर यू बट अगर आपके घर में जैसे आपकी मदर इन लॉ है या मदर है उनकी भी ऑब्वियसली नीज में प्रॉब्लम होगी या मतलब ऐसे ऐसे करके नींद में नहीं भी वो प्रॉब्लम तो भी हो जाती है. सो इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर एनीवन टू यूज टू यू नो मेक द बेबी स्लीप. फिफ्थ मस्ट हैव इज अ रेल गार्ड. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज अ रेल गार्ड? जैसे आप फोटो में देख सकते हैं इट इज बेसिकली जस्ट अ गार्ड सो दैट द बेबी डज नॉट फॉल आउट फ्रॉम द बेड. इट्स वेरी ऑब्वियस व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड व्हाई यू शुड हैव. एंड आई नो पीपल विद आगे के तकियों से तकिए भी तो लगा सकते हैं नीचे गद्दे भी लगा सकते हैं. यस यू कैन डू दैट. तकिए आई वुड से 3-4 महीने के बच्चे तक के लिए ठीक है लेकिन उसके बाद बेबीज आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट. वानिया बहुत स्मार्ट थी वो तकिया हटा के नीचे गिर जाती थी. तो उसको स्मार्टनेस कहो या क्या कहो लेकिन वो तो लिटरली आई एम टेलिंग दिस एज अ मस्ट हैव इज बिकॉज मेरे पास नहीं था ये और मुझे पता ही नहीं था तो इसलिए मेरे पास नहीं था. और मैं ऐसी कुछ टाइम बाद पहले मैं कुछ इंस्टा में देख रही थी सबके कुछ फोटोज स्क्रॉल कर रही थी तो मेरी एक फ्रेंड ने फोटो डाल रखी थी अपने बेबी की और उस इस रेल गार्ड के साथ. तो मुझे पता लगा अरे यार ऐसी भी कोई चीज होती है. फिर मैंने देखा तो मैंने ओ हो. सो गाइस ये थे मेरे टॉप 5 मस्ट हैव्स फॉर अ न्यू मॉम. मैं आपको कुछ ऐसे चीजें दिखाना चाहूंगी जो मे बी 0 to 3 months के लिए जरूरी ना हो लेकिन डेफिनेटली जब आपका बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है 4 to 8 months या 4 to 12 months में इन चीज़ों की आपको डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी और इट्स ऑलवेज गुड टू हैव देम पहले ही. नंबर 1 इन दैट वुड बी टू बेबी प्रूफ योर हाउस. तो अगर आपके घर में शार्प कॉर्नर्स या एजेस हैं तो उसके लिए जो आपको यहाँ वीडियो में दिख रहा है ये सेफ्टी बेबी प्रूफ कॉर्नर्स होते हैं. ये बहुत ये फोम होता है एक्चुअली. तो दीज आर वेरी 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 गुड फॉर योर बेबी. इससे बिल्कुल चोट नहीं लगती है. द अदर थिंग वुड बी अ हेड गियर. मेरी बेटी तो उसको अभी भी एज अ क्राउन पहनती है बट आई थिंक हेड गियर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू वंस योर बेबी स्टार्ट्स क्रॉलिंग बिकॉज अगर उसका सर जमीन पे लगेगा तो बहुत जोर से उसको चोट लग सकती है. तो अपना पर्सनल बताऊं तो जैसे मेरी बेटी थी वो मैट्स पे कभी नहीं रहती थी. मैं कितना भी मैट बिछा लूं वो मैट से नीचे उतर ही जाती थी और उसको ज़मीन पे ही चलना अच्छा लगता था ज़मीन पे ही क्रॉल करना अच्छा लगता था. तो इसलिए हेडगियर हमें बहुत फ़ायदेमंद रहा. हम हेडगियर उसको पहना देते थे एंड देन इधर उधर जाती रहती थी हमें बिना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी. एंड एक दो बार बहुत बुरी तरह गिरी भी वो बट क्योंकि हेडगियर था तो उसको ज़्यादा चोट नहीं आई. सो आई गेस एक हेडगियर इज़ अ गुड थिंग और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है बहुत चीप होता है. मैंने अमेजोन का लिंक भी दे दिया इट्स वेरी चीप. तो आई थिंक इट्स नॉट बैड टू इन्वेस्ट इन दैट. द अदर थिंग वुड बी अदर दैन द हेडगियर आई गेस ये अगर आप देख सकते हैं एक छोटा सा नेल कटर बॉक्स है. इसके इसमें छोटा सा नेल कटर है सीजर्स हैं ब्लंट सीजर्स हैं नोज प्रिक है और टंग क्लीनर है. तो मैंने नोज प्रिक और टंग क्लीनर तो कभी यूज़ किया नहीं. नोज प्रिक एक बार ही किया था वो इतनी उछली थी उसको इतनी गुदगुदी हुई तो मैंने कभी यूज़ किया नहीं. बट सीजर्स मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है. मतलब उसकी नेल्स काटने के लिए वो छोटा नेल कटर मैंने यूज़ नहीं किया. मेरे ख्याल से मैंने 14 to 15 months तक उसका सीजर से ही नेल काटा है. अब जाके मैंने नेल कटर से उसके नेल्स काटने शुरू करे हैं. तो आई गेस दिस इज़ अ गुड बाय. टंग क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है. मैं कपड़े से ही कर दिया करती थी बट अगर आपको कपड़े से कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो आई गेस आप टंग क्लीनर यूज़ कर सकते हैं. अदर थिंग दैट आई थिंक बिसाइड दिस वुड बी अ फीडिंग पिलो. सो जैसे ये पिलो है अगर आप इसको ऐसे फीड कराएंगे देन आपका ये हाथ यहाँ रहेगा बिकॉज आपको बेबी थोड़ा अपराइट रखना पड़ेगा. तो आप ऐसे फीड कराएंगे तो आपके हाथ में और आपके बैक पे बहुत प्रेशर आएगा. सो आई गेस फीडिंग पिलोज आर गुड देयर बिकॉज उनमें ऑलरेडी बेबी अपराइट होता है तो आपके हाथ पे ज़्यादा प्रेशर आता नहीं है. प्लस कुछ फीडिंग पिलोज जो मैंने देखे हैं और जो मैंने अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड भी किया है
उस टाइम पे मैंने वो नहीं देखे थे, तो मैंने नॉर्मल फीलिंग पिलो लिया था. बट अगर आजकल जो आ रहे हैं वो है कि आप उसको यहाँ पे बांध लीजिए एंड दिस इज स्ट्रेट, अगर आप फोटो देख सकते हैं तो, एंड द बेबी इज देयर. सो आपके ऊपर बहुत कम प्रेशर होगा, बहुत कम वेट होगा, एंड ये आपका साइड स्ट्रैप होता है तो इट्स वेरी कंफर्टेबल. सो आई थिंक फीडिंग पिलो इज ऑल्सो वॉट यू शुड एक्चुअली बाय फॉर योर बेबी. अदर देन दीज थिंग्स, फॉर्मूला एंड बॉटल, ये दो और चीज़ें हैं जो आपको अपने पास हैंडी रख लेनी चाहिए. So this is the whole list. I really hope you like the video and you'll share your this video with all your friends who are, and especially those who are actually expecting or new moms, so that they could benefit from it. Mera purpose solve ho jaye video banane ka, and thanks for watching. Bye bye.